हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारा आरबीआई से रिलेटेड, कि क्या गवर्नमेंट या आरबीआई कोरोना वायरस के बाद बहुत सारा पैसा छाप के गरीबों में बांटेगी, क्या सरकार को करना चाहिए, क्या अगर सरकार ऐसा करती है तो इसके इफेक्ट क्या होंगे। हाल ही में KCR जो कि तेलंगाना के CM है, उन्होंने सरकार को ये सजेशन दिया है कि सरकार को कोरोना वायरस के बाद गरीबी से निपटने के लिए बहुत सारा पैसा छापना चाहिए और गरीबों में बांट देना चाहिए। तो हम आज की वीडियो में बेसिकली जानेंगे कि आरबीआई कितना पैसा छाप सकती है, क्यों आरबीआई इतना पैसा नहीं छापती या पैसा छाप के गरीबों नहीं बांट देती कि गरीबी कम हो जाए। दूसरा, पैसे की हिस्ट्री क्या है, हमने पैसा यूज करना कब से शुरू किया, इसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे कि हम सबको पता है, एंशियन टाइम में हम लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय। तो हमको वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम को हटाकर मनी का यूज क्यों करना पड़ा, ये सब कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे इसमें। और एक और कि अगर आरबीआई बहुत सारा पैसा छाप देगी तो उसके इफेक्ट क्या होंगे और किन देशों ने ये सब गलती की, मतलब कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने पैसा बहुत सारा छापा, गरीबों में बांटा और बाद में उसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स या रुकावटों का सामना करना पड़ा। जैसे कि 2001 में जिम्बाब्वे ने बहुत सारा पैसा छाप के अपनी जनता को बांट दिया। हुआ क्या, कुछ दिनों बाद वहां पर अगर किसी को एक ब्रेड भी खरीदनी होती थी तो एक बैग भर के पैसा ले जाता था। तो ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले हम जानेंगे बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय के बारे में। बार्टर सिस्टम या हिंदी में से हम वस्तु विनिमय बोलते हैं। क्यों बार्टर सिस्टम इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि इसके रिप्लेसमेंट पे हमको मनी या मुद्रा का यूज करना पड़ा। तो सबसे पहले हम जानेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे। बार्टर सिस्टम इज नथिंग बट एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। इट मीन्स सिंपल, अगर ए के पास आलू है और बी के पास प्याज है तो ए बी के पास जाएगा और बोलेगा तू आप मुझे प्याज दे दो और आप मुझसे आलू ले लो। इस तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था या गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता था। बट हुआ क्या, इसमें प्रॉब्लम आई कि अगर ए बी के पास प्याज लेने गया तो ये जरूरी है कि बी के पास प्याज तो हो बट सरप्लस अमाउंट में हो। इट मींस जितनी उसकी नीड है, जिसकी इतनी जरूरत है प्याज की, उससे ज्यादा हो तभी तो वो ए को दे पाएगा। अगर उसके पास केवल इतना ही प्याज है कि वो खुद का घर चला सके, मतलब खुद उसका वो उसका घर ही खाए, तब वो ए को तो प्याज दे नहीं पाएगा। इट मींस ए के पास प्याज हो प्लस सरप्लस हो। सेकेंड, अगर ए बी के पास जाएगा उसके पास प्याज तो होना चाहिए प्लस उसे आलू की जरूरत भी हो, प्लस आलू की नीड भी हो। तो दो चीजें यहां पर आई, ये दो ऑब्स्टेकल्स थी मेनली कि अगर दो वस्तुओं का आदान प्रदान करना है आपको बार्टर सिस्टम के थ्रू, तो अगर ए बी के पास जाएगा तो उसके पास प्याज हो प्लस सरप्लस अमाउंट में हो प्लस उसे आलू की जरूरत भी हो। आप अगर ए बी के पास जाएंगे बोलेंगे आप मुझे थोड़ा सा प्याज दे दो, तो बोलेगा मेरे पास प्याज तो है नहीं तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो होता क्या है इसमें, अगर ए को एक ऐसे बंदे की जरूरत है सी, जिसके पास प्याज हो सरप्लस अमाउंट में हो प्लस उसको आलू की जरूरत भी हो, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन क्रिएट हुआ वहां पर। तो इससे निपटने के लिए मनी का यूज किया गया, मनी या मुद्रा लाई गई। तो शायद आप समझ गए बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के बाद मनी का यूज किया गया। मनी भारत में या इंडिया में सबसे पहले इंडो ग्रीक्स 200 BC के आसपास, यानी आज से लगभग 2200 या 2300 साल पहले इन्होंने सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू किए। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा कुषाण पीरियड में सबसे ज्यादा गोल्ड के सिक्के मिंट किए गए।
जैसे कि हम सबको बताया पहले हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो पहले गोल्ड के कॉइन्स आए, फिर सिल्वर, फिर धीरे धीरे कॉपर, ब्रॉन्ज, बहुत सारे सिक्के चलाए गए और लास्ट में 1914 टू 1919 जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब पेपर करेंसी लॉन्च की गई। पेपर करेंसी वही जो आज हम लोग यूज़ करते हैं नोट्स। तो होता क्या है, इन 2001 जिम्बाब्वे जो कि देश है वहाँ की गवर्नमेंट सोचती है कि क्यों ना हम बहुत सारा पैसा छाप के, पेपर करेंसी छाप के अपनी जनता में बंटवा के गरीबी को कम कर दें। तो वो क्या करती है ना, बहुत सारा पैसा छापती है और अपनी जनता में बंटवा देती है। होता क्या है, वहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि लास्ट में अगर किसी को एक पैकेट ब्रेड लेना होता था तो उसको एक बैग भर के पैसा ले जाना पड़ता था। तो समझते हैं उसको, जब भी किसी चीज की सप्लाई, किसी चीज की अगर सप्लाई लिमिटेड है और उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे लगातार। इसको एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो ये आपका, यहाँ पर आपके कुछ ब्रेड के पैकेट्स हैं या कुछ ब्रेड के पैकेट्स हैं जिनकी कीमत 10 रुपए है सबकी, लेकिन ये लिमिटेड है, ठीक है, और इसको खरीदने के लिए आपके पास 4 लोग हैं, सबके पास 10-10 रुपए है, ठीक। और अब हम क्या करते हैं कि इन सबको 50-50 रुपए और दे देते हैं, ये पैसे हमने छाप के इनको 50-50 रुपए और दे दिए। हुआ क्या कि हमारे पास जो रिसोर्स थे या जो हमारे पास सप्लाई थी वो तो लिमिटेड थी, वो तो बढ़ी नहीं, लेकिन जो पीपल्स थे उनके पास पैसे बढ़ गए। पैसे बढ़ेंगे इनके पास तो ये डिमांड ज़्यादा करेंगे, जब ये डिमांड ज़्यादा करेंगे, सप्लाई तो लिमिटेड ही है ना, सप्लाई लिमिटेड है और इनकी डिमांड बढ़ गई, जब भी सप्लाई लिमिटेड होगी और डिमांड बढ़ेगी तो इनकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इनके पास 50-10 सबके पास 60-60 रुपये आ गए हैं, तो ये ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ऐसे जो बॉम्बे में हुआ था, सबके पास पैसे बांट दिए गए लेकिन रिसोर्स तो उतने ही थे, तो वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब सवाल आता है कि सरकार या गवर्नमेंट कितना पैसा छाप सकती है, तो इसका सिंपल आंसर है जीडीपी। किसी भी देश की गवर्नमेंट वहां की जीडीपी के इक्वल पैसा छापती है। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब किसी देश की सरकार या वहां की जो गवर्नमेंट होगी वहां की जीडीपी के इक्वल पैसा छापेगी, यानी एक साल के अंदर उस देश के अंदर जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, अगर एक साल के अंदर यहाँ पर जितनी भी चीजें बनी उनको खरीदने के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी सरकार या गवर्नमेंट उतना पैसा छापेगी। जैसे कि मान के चलो आपका इंडिया है, यहाँ पर एक साल के अंदर बहुत सारी चीजें बनी और उनको खरीदने के लिए हमें अगर इन सब चीजों को बेच दिया जाए, गुड्स और सर्विसेज ये सब बेच दिया जाए, तो हमें 1000 रुपए की जरूरत होगी, तो आरबीआई 1000 रुपए छापेगी। नेक्स्ट ईयर जैसे हमारी जीडीपी बोलते हैं 10% बढ़ रही या 20% बढ़ रही है, नेक्स्ट ईयर हमारी जो गुड, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, हमने सर्विसेज ज्यादा की, तो ये 10% बढ़ गया, यानी ये हो गया हमारा 1100। तो नेक्स्ट ईयर हमारी जो आरबीआई है वो 1100 रुपए छापेगी। सिंपल है, एक साल के अंदर जितनी चीजें हैं उनको खरीदने के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी उतना ही हमारा आरबीआई पैसा छापेगा। अब सवाल आता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पैसे छपते हैं। बेसिकली इंडिया में पेपर करेंसी और सिक्के छापे जाते हैं जो कि अलग अलग है। पेपर करेंसी छापने के लिए हमारे पास 4 मिनट है, 4 जगह हमारे इंडिया में पेपर करेंसी छापी जाती है और 4 जगह सिक्के। पहला पेपर करेंसी में देवास मध्य प्रदेश, दूसरा नासिक महाराष्ट्र, तीसरा मैसूर, चौथा मैसूर कर्नाटक और चौथा सालबोनी वेस्ट बंगाल। और जो आपके सिक्के हैं वो नोएडा यूपी और कोलकाता मुंबई
और चौथा आपका हैदराबाद। इन चार देखा आपके, ये चार आपके पेपर करेंसी छपने के लिए हैं और ये चार आपके मिंट यानी यहाँ पर आपके सिक्के ढाले जाते हैं। तो आज का मेरे वीडियो यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।